ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। 1 मई 2024 को देव गुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि में प्रवेश किया। मई 2025 तक गुरुदेव इसी वृषभ में ही भ्रमण करेंगे। राहु केतु शनि और गुरु ये एक राशि में लंबे समय तक भ्रमण करते हैं। अन्य ग्रहों प्रभाव से के सम्मिलित स्वरूप को के माध्यम से सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। मकर, कुंभ और मीन, इन तीन राशि वालों को गुरु का यह वृषभ में भ्रमण क्या फल देने वाला है? यदि शुभ फलदायी है तो हम क्या करें कि शुभत्व में वृद्धि हो जाए, शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त हों, और यदि किसी राशि के लिए किसी प्रकार से अशुभ फल देने वाले हैं तो क्या सरल से उपाय हैं जिससे उस अशुभता से बचा जा सके? आज की वीडियो में चर्चा करते हैं इसी विषय के ऊपर। मकर राशि, मकर राशि वालों को गुरुदेव का यह भ्रमण वृषभ में मकर से पंचम होने वाला है। पंचम से भ्रमण करेंगे, पंचम भाव से, और उनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी मकर से नवम स्थान में भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर, और नवम दृष्टि स्वयं मकर पर ही। तो गुरु के बारे में सामान्य सा ज्योतिष सिद्धांत जिस भाव को देखते हैं वहां पर शुभत्व की वृद्धि कर देते हैं। जहां बैठते विराजते वहां थोड़ा सा वजन। तो पंचम स्थान मानसिकता का है। मकर राशि वाले वर्ष भर मानसिक दृष्टि से जो एक फ्रीनेस महसूस करते आ रहे थे अब तक वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा लोडेड हो जाएंगे। लोडेड किस कारण से होंगे? संतान पक्ष को लेकर के, संतान के भविष्य को लेकर के, संतानों के कार्य क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, उनकी प्रकृति की चिंता, उनकी शिक्षा, कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन मानसिक दृष्टि से थोड़ा सा यह मकर राशि वालों को यह भ्रमण थोड़ा सा मानसिक दृष्टि से लोडेड कर देगा, एक तरह से भारी महसूस करवाएंगे। पंचम दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर, नवम पर, तो धर्म में रुचि बढ़ेगी, सहजता से कार्य के बनने आरंभ हो जाएगा, इसी को तो भाग्य कहते हैं। सातवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर, आय की वृद्धि हो जाएगी। आय की वृद्धि होगी तो फिर निश्चित रूप से वो जो धन भाव जमा पूंजी का जहां से विचार किया जाता है वहां पर भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आय बढ़ेगी तभी तो जो जमा पूंजी का स्ट्रक्चर से उसमें वृद्धि होगी। नवम दृष्टि पड़ेगी मकर पर ही, और मकर पर दृष्टि सामान्य रूप से गुरु की थोड़ा सा शुभ फल कम ही दे पाती है। तो मकर राशि वालों को जब गुरु अपनी नवम दृष्टि से मकर राशि पर डालेंगे तो ये वर्ष भर मानसिक तौर पर थोड़ा सा अशांति का अनुभव कराएंगे, तनाव की स्थिति का अनुभव कराएंगे। पारिवारिक या दूसरे किसी भी कारणों से जिन्हें कहते कि जिम्मेदारियों का एहसास, वो लोडेड रखेगा, ये कारण रहेगा फ्रीनेस की। जो कहते हैं मानसिक तौर पे जो अनुभूति होनी चाहिए वो फ्रीनेस वो नहीं होना के पीछे कारण ये रहेगा। शनि देव, उनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर, अब तक गुरुदेव मेष राशि में बैठ करके और वो चतुर्थ स्थान जहाँ से घर परिवार की बात करते हैं, विचार करते हैं, वहाँ थोड़ा व्यवस्थाएं बनाए हुए थे, अब वो मेष को छोड़ करके वृषभ में चले गए। शनि की केवल तीसरी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर बच गई, इसलिए मकर राशि वालों को यह तीसरी दृष्टि शनि की चौथे स्थान पर घर के सुखों में कमी का अनुभव कराएगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित करेगी, माता से संबंधों में तनाव की स्थिति हो सकती है, मित्रों से व्यवहार में तनाव की स्थिति का अनुभव हो सकता है। इन बातों में मकर राशि वालों को सावधानी रखना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को यह भ्रमण चौथे स्थान में होगा, चौथा स्थान घर का, सुखकार माता का, इन संबंधों से जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाएगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी इन संबंधों में। पारिवारिक कारणों से जिम्मेदारी बढ़ेगी, माता के स्वास्थ्य संबंधी या किसी भी कारण से जिम्मेदारी बढ़ेगी,
और उस कारण से जितनी स्वतंत्रता का अनुभव, जितनी फ्रीनेस घर मामले में, घर के परिवार के मामलों में अब तक अनुभव कर रहे थे, कुंभ राशि वाले इस वर्ष में नहीं करेंगे। पांचवी दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर। वर्ष भर नाभि से नीचे, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड, मूत्र संस्थान से, किडनी लिवर, इन संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई बात सामने आती है तो तुरंत ध्यान देना आवश्यक है। गुरु कुंभ राशि वालों को इस बारे में थोड़ा सावधानी बरतना हित कर रहेगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान पर, वहां वृश्चिक राशि है, वहां पर शनि की भी दृष्टि है, शनि की दृष्टि वहां पर दशम, तो शनि श्रम के कारक, और गुरु गुरु वह भी लोड काम के कार्य अधिकता के कारक। तो कुंभ राशि वालों को यह वर्ष एक तो श्रम की भी अधिकता रहेगी और कार्य की भी अधिकता रहेगी। अब यह इन पर निर्भर करता है कि किस तरह से इसको देखते हैं। अगर कार्य को लोड जबरदस्ती का वजन समझ करके चले तो आने वाला वर्ष उतने सुफल नहीं दे पाएगा, और यदि कुंभ राशि वालों ने जो भी कार्य का लोड आता है उसको पूरे अपने परिश्रम पूरी मेहनत से उसको किया, अभी परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस बात का ध्यान नहीं दिया और पूरी तन्मयता से मेहनत से कार्य किया, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्पष्टता क्या है, गुरुदेव धनुराज वृषभ छोड़ के जब मिथुन में जाएंगे तो लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत लाभदायी हो जाएगा, इस बात का इसी वर्ष में ध्यान रखना चाहिए। और जो भी कार्य आए, कार्य की अधिकता हो, उसे किसी प्रकार का, जिसको कहते हैं ना लोड, अवांछित लोड ना मान करके उसको एक तरह का उपहार मान के चलें, अवसर मान के चलें, और अपना परिश्रम पूरा यथेष्ट लगाएं, आने वाला वर्ष बहुत लाभदायी हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि नवम पड़ेगी कुंभ राशि वालों को, व्यय स्थान पर वहां मकर राशि है, इस वर्ष भर में शुभ कार्यों में व्यय की अधिकता रहेगी। शुभ कार्यों में व्यय की अधिकता तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारियां जिनको समझते हैं पारिवारिक या किसी भी, क्योंकि कुंभ राशि वालों को मीन राशि दूसरे स्थान में पड़ती है, अर्थात परिवार, पारिवारिक कारणों से किसी भी प्रकार के जिम्मेदारी में, भावनाओं में बह करके जमा पूंजी का यदि दिया पैसा खर्च किया तो संभावनाएं अधिक यह बनेंगी कि वह पैसा वापस नहीं आएगा, वह नुकसान की स्थिति बन जाएगी। इस मामले में कुंभ राशि वालों को पूरी तरह से सावधानी बरतना हित कर रहेगा। अब बात आती मीन राशि की। मीन राशि वालों को गुरुदेव का यह भ्रमण तीसरे स्थान में होने वाला, एक तो दशम मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव स्वयं की मीन के स्वामी हैं, और धनु राशि पड़ती है दशम स्थान में, और फिर वो भ्रमण कहाँ करेंगे, तीसरे स्थान में, मीन राशि से वृषभ में, अर्थात तीसरे, तीसरा स्थान होता है स्वयं के परिश्रम का, पराक्रम का, सहयोग का, सहयोग यथेष्ट मिलेगा। अपने पराक्रम से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान में, व्यापार, भागीदारी, पति या पत्नी, इनसे संबंधों में सुख की स्थिति का अनुभव होगा, व्यापार भी की स्थिति भी ठीक रहेगी, भागीदारी से संबंध अच्छे रहेंगे, पति पत्नी से सामंजस्य अच्छा रहेगा, सुखपूर्ण समय व्यतीत होगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम स्थान पर, धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कार्य सहजता से बनेंगे, भाग्योदय की स्थिति का अनुभव होगा। नवम दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर, वहां मकर राशि है। मीन राशि वाले इस वर्ष यह महसूस कर सकते हैं कि जितना परिश्रम, क्योंकि परिश्रम के तो योग बन रहे हैं, स्वयं के मेहनत के योग तो बन रहे हैं, लेकिन इस वर्ष में ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि जितनी मेहनत की उतना लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो इस वर्ष में इस तरह की चिंता मन में रखने की जरूरत नहीं है। आने वाला वर्ष ये जो भी कमी है इसको पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा, इसलिए प्रयास करना चाहिए मीन राशि वालों को। कार्य क्षेत्र में जो भी लोड आता है, जिस भी किसी तरह की परिस्थिति बनती है कार्याधिक की, उसको हंस करके ग्रहण करें, एक तरह से अवसर मान करके चलें, यह लाभदायी रहेगा। मीन राशि वालों को सतर्कता केवल एक ही बात पर बरतनी चाहिए,
कारण क्या रहेगा उसका? शनि देव की तीसरी दृष्टि दूसरे स्थान पर, अभी तक वहां पर मेष में गुरुदेव वहां पर विराज करके व्यवस्थित बनाए हुए थे, पारिवारिक मामलों में एक तालमेल की सी स्थिति बना रखी थी। वृषभ में गए तो वृषभ में जाने के कारण मेष राशि पर केवल शनि की तीसरी दृष्टि बची है और वो स्थान किसका है? जमा पूंजी का, परिवार का। तो वो भी फिर एक बात संकेत, जब जैसा पहले निवेदन किया वो दे रहा है इस बात का, पारिवारिक मामलों में और जमा पूंजी के मामले में, पारिवारिक संपत्ति के मामले में बहुत विवेक से और सावधानी से कार्य लेना चाहिए, अन्यथा ये शनि की तीसरी दृष्टि हानि के संकेत देती है। अब बात यह कि जिनको अशुभ प्रभाव हैं बचे कैसे? जिन्हें गुरु के अशुभ प्रभाव हैं, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, हल्दी की माला पर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु के जो पदार्थ हैं, पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, धार्मिक पुस्तक, केसर, बेसन के लड्डू, इनका दान करना चाहिए। किसी वृद्ध ब्राह्मण को जिनकी आयु हो, श्रद्धा अनुसार कुछ भी दक्षिणा रख के श्रद्धा से ही गुरुवार के दिन दान दें तो गुरु के शुभ प्रभावों से रक्षा होगी, गुरु शुभ फलदायी होंगे, अशुभ फलों में कमी आएगी। शनि, शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर जिनके अशुभ फलदायी है उन्हें चाहिए कि वो हनुमान जी की उपासना करें या सीधे शनि का मंत्र का जप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रेंग प्रोम स शनिश्चराय नमः। शनि चालीसा का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, किसी भी प्रकार से हनुमान जी की या शनि की उपासना का नियम बना के रखें तो ये शनि की तीसरी दृष्टि, चूंकि मेष राशि गुरु छोड़ करके वृषभ में चले गए हैं इसलिए तीसरी दृष्टि मेष राशि पर शनि की थोड़ी चुनौती पर जहाँ प्रस्तुत करती हैं उससे बचने के लिए शनि की उपासना हित कर रहेगी। वृषभ राशि में गुरुदेव का यह भ्रमण आप सबके लिए शुभदायी हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।